विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः।
रिधि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, अपितु अपने भक्तों की झोलियां संतानों से भी भर देती हैं
और उनके संतानों को जीवन भर रक्षा भी करती हैं। माता ने अपने धारण किए हुए पंचम अवतार संतान लक्ष्मी के रूप में सभी वांछनों की झोलियां संतानों से भर दी हैं और जीवन पर्यंत उनके संतानों की रक्षा भी की है। तो आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह माता का पंचम अवतार संतान लक्ष्मी स्वरूप अपने भक्तों का कल्याण करता है। तो माता संतान लक्ष्मी के चरणों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ सुनिए ये पावन संगीतमय कथा। इस प्रकार से है भक्तों, किसी नगर में विद्या नामक एक स्त्री अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी। भक्तों दोनों बहुत सुखी थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भक्तों दोनों भगवान के परम भक्त थे। विद्या नित्य प्रति माता लक्ष्मी के मंदिर जाती और पूजन उपवास किया करती थी। दिन में दोनों पति पत्नी हंसते रहते थे भक्तों, परंतु रात्रि होते ही दोनों के नैनों से अश्रु छलकने लगते थे। भक्तों मन में एक ही भारी दुख था कि उनके कोई संतान ना थी। भक्तों एक संतान के लिए वो तरसते रहते थे। बार बार वो भगवान के आगे प्रश्न करते थे कि हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो हमें संतान नहीं है, परंतु उन्हें अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता। भक्तों दोनों रो रो कर क्या प्रार्थना करते हैं, आइए सुनाती हूँ। बात पर उसको ताने देने लगा, बांझ
बांझ बांझ कहकर उसे पुकारने लगा, यहाँ तक कि मदिरा पान करके उस पर हाथ भी उठाने लगा। अब विद्या का जीवन जैसे नरक के समान हो गया था भक्तों। जिस रसोई में माता लक्ष्मी का भोग पका करता था, आज वहाँ मांस मछली अंडे पक रहे हैं। घर में जहाँ यज्ञ हवन होते थे, वहाँ जुआ मदिरा पान चल रहा है भक्तों। अब विद्या करे तो क्या करे, उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आने लगे और उसने ठान लिया कि अपने प्राणों का अंत कर देगी। अपने प्राणों का अंत करने वो एक पहाड़ी पर पहुंची। ज्यों ही वो कूदने वाली थी भक्तों कि सामने से एक अनुपम प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज ने एक वृद्धा का रूप धारण किया और विद्या को क्या समझाया, आइए प्यार से पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं भक्तों। वृद्धा के समझाने पर माँ के मंदिर जाने लग गई। मैया संतान लक्ष्मी का स्वरूप का ध्यान लगाती, भजन कीर्तन करती, सारा दिन माँ संतान लक्ष्मी का गुणगान करती। सांझ को जो भी शक्ति अनुसार माँ को भोग समर्पित करती। रात्रि में एक समय स्वयं भी और उसके पति को भी वो प्रसाद खिलाती। माता के प्रसाद का ऐसा असर हुआ भक्तों कि उसके पति की मांसाहार और मदिरा पान की आदत भी धीरे धीरे जाने लगी भक्तों। घर में धीरे धीरे पहले जैसा माहौल वापस आने लगा और ऐसा करते करते पूरे 16 शुक्रवार बीत गए भक्तों। अब मैया के व्रत का उद्यापन करवाना था। किस तरह विद्या और उसका पति माँ का उद्यापन कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। जैसे जैसे उद्यापन का समय निकट आ रहा था भक्तों,
विद्या के चेहरे पर तनाव की रेखाएं देखी जा सकती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी भक्तों कि माँ संतान लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन कैसे होता है, उसकी विधि क्या है। लेकिन तभी द्वार पर किसी ने खटखटाया भक्तों। विद्या ने द्वार खोला, वही वृद्धा उनके सन्मुख खड़ी है। बहुत ही आदर सत्कार के साथ विद्या माता को घर के भीतर ले आई, उनकी सेवा की और माँ से उद्यापन की विधि पूछी। माँ ने कहा कि हे विद्या बेटी, माँ तो केवल भाव की भूखी है, फिर भी अपनी श्रद्धा अनुसार माँ की लाल चुनर सजाना, चौकी लगाना, लाल साफ कपड़ा चौकी पर बिछाना, जहाँ माता का चित्र अंकित करना, 2-3 कमल पुष्प, फल फूल, अक्षत चंदन, रोली मौली तथा पान सुपारी माता को समर्पित करना, 7 सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार प्रदान करना, तब देखना कि माँ संतान लक्ष्मी किस तरह तेरी झोली भरती है बेटी। वृद्धा माँ के समझाए अनुसार माँ संतान लक्ष्मी का उद्यापन करती है और ठीक 1 वर्ष बाद उन्हें चंद्रमा सी आभा प्रदान करने वाला पुत्र प्राप्त हुआ। जीवन में सुख, यश, कीर्ति, वैभव और संतान दोनों को प्राप्त हुई थी भक्तों। दोनों ने मिलकर माता संतान लक्ष्मी की जय जयकार बुलाई। तो आप और हम क्यों पीछे रह जाएं भक्तों, मेरे साथ सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोले मैया संतान लक्ष्मी की जय। अक्षत रोली तिलक करे, मंगल
वंदन व्रत पूजन से सुनो पूरी।
घर में एक मेहरी उसने दिया का सारा नियम कहा महिमा दीदी बता पति पत्नी ने सब सुना सार को दिया समझाए रे उसने सार को दिया समझाए सच्चे मन से व्रत रखा सोला शुक्रवार व्रत सातवा ही हुआ हो गया बेड़ा पार ने का हो गया बेड़ा चने का भोग दिया उद्यापन करवाए अब दुकान चलने लगी पति पत्नी मुस्काए रे वो तो पति पत्नी महिमा संतोषी माँ की पति पत्नी तब गाए दर्शन करके वो भगतों जीवन सफल बनाए रे अपना जीवन सफल बनाए एक कथा को